तो फाइनली जो है वो अभी बाईपास साइड से लौट रहे थे और सीन कुछ देखने को मिला ऐसा यहाँ। और यहाँ हम लोग जहाँ है ये मेनली गया लाइन घुमटी जो है वही एरिया है, और जस्ट पीछे में बस स्टैंड जो मीठापुर बस स्टैंड था वो था। तो अभी उसी साइड से क्रॉस कर रहे थे तो सोचे चलिए गया लाइन घुमटी का भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं हम लोग, दिखाते हैं आज गया लाइन घुमटी का क्या कुछ सीन है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और अपने स्टाइल में वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त अभिनव दीजू। और वीडियो का स्टार्ट जो है वो जाम से ही स्टार्ट हुआ है और ट्रैफिक जाम लगा है, तो सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दें। मतलब इस साइड का बस स्टैंड भी हट गया है मीठापुर बस स्टैंड का, फिर भी इतना ट्रैफिक जाम किस रीज़न से है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आदमी आएगा तो खाली जामे फेस करेगा, जहां जा रहा है वहीं जाम फेस कर रहा है। चलिए गया लाइन का गुमटी का अपडेट देते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो यह नीचे का फेस है और गया लाइन गुमटी का फ्लाईओवर का जो अपडेट है वो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहा है। तो क्योंकि एक भाई है वो रिक्वेस्ट किया कि आप गया लाइन गुमटी का वीडियो डालिए, तो हम बोले ठीक है जल्दी जैसे मौका मिलता है वैसे गया लाइन गुमटी का जो वीडियो है वो अपडेट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं क्या कुछ सीन जो है वो ऊपर से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप लोग को देखने में अच्छा भी लगेगा और हमको वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि नीचे से आपको दिखाने के लिए कुछ वैसा नहीं है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ नीचे गुमटी है और ऊपर से हम दिखा सकते हैं कि क्या कुछ फ्लाईओवर का काम हुआ है। तो चलते हैं डायरेक्ट बिना देर किए फ्लाईओवर के ऊपर और दिखाते हैं कि ऊपर से क्या सीन है और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद ये पूरा रोड जो है ये ट्रैफिक जाम फेस करके आए हैं और अभी आ गए हैं फ्लाईओवर पे। तो इस फ्लाईओवर के थ्रू हम लोग जाते हैं गाड़ी को साइड में पार्क करके और कुछ दूर आगे पैदल चलना होगा और वहाँ से आपको व्यू दिखा पाएंगे गया लाइन गुमटी का जो फ्लाईओवर का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ काम हो रहा है और कितना काम हुआ है वो भी दिखा पाएंगे ऊपर से। जो ऊपर का व्यू है वो काफ़ी अच्छा आएगा और वहाँ से हम अच्छे से डिटेल वीडियो बना भी पाएंगे। तो बता दें कि ये जो गोलंबर है ना, ये जैसे एक बार बन के कम्प्लीट हो जाएगा गया लाइन गुमटी वाला, तो ये झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और पैदल चलना होगा आगे की तरफ। तो इस साइड में गाड़ी जो है वो बाइक इधर पार्क कर देते हैं और दिखाते हैं आगे चल के क्या कुछ सीन जो है वो देखने को मिलता है। सो अगर बात करें गया लाइन गुमटी का तो आपको हम बता सकते हैं ये नीचे में जो देख रहे हैं ना यही है गया लाइन और इसी के ऊपर बन रहा है फ्लाईओवर। तो ये जो फ्लाईओवर है ये लगभग इसका अप्रोच रोड बनने का टाइम मतलब देर है और इसको जो है वो इसके इससे कनेक्शन होने वाला है। मतलब ये फ्लाईओवर जो है ये मीठापुर साइड से आ रहा है और ये फ्लाईओवर जो है ये गया लाइन जो परसा जाने वाला जो रास्ता है जो कि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं इस रोड से डायरेक्ट पैरेलल में जो गया लाइन गुमटी के पैरेलल में परसा वाला जो रोड है उस साइड में जाएगा। और इस साइड से अगर बात करें तो मीठापुर करबिघैया साइड से जैसे आप आइएगा तो ये फ्लाईओवर होते हुए आइएगा। तो ये फ्लाईओवर के होते हुए डायरेक्ट अभी हम लोग यूज़ करते हैं और ऐसे होते हुए डायरेक्ट हम लोग जीपीओ फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं। आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उन्हें कनेक्टेड हो जाता है, वहां से मीठापुर कनेक्टेड हो जाता है और मीठापुर से ये फ्लाईओवर कनेक्टेड हो जाएगा इसमें। तो एक बार जब ये सब इंटरकनेक्टेड हो जाएगा ना सारा फ्लाईओवर तो हम लोग को काफ़ी अच्छा रहेगा और ट्रैफिक फ्री हम लोग राइड कर पाएंगे, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। मतलब आप देख सकते हैं अभी नीचे में इस साइड में अगर गया लाइन गुमटी का अगर ये जो बैरियर है ये जब गिर जाता है तो अच्छा खासा जाम लगता है। मतलब आज तो थोड़ा होलीडे है, मुहर्रम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है, नहीं तो अभी तक तो अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलता है। वैसे हम लोग अभी ट्रैफिक फेस करके जस्ट आए ही हैं उस साइड के रोड से। तो अगर बात करें इस साइड का काम का तो ये जो मेन पार्ट पैच है ना इसको ये जब तक नहीं ऐड होगा ये वाला इससे जब तक कनेक्टेड नहीं होगा तब तक यहाँ काम जो है वो अभी पेंडिंग रहेगा। और वैसे आपको बता दें कि इस साइड का रोड का जो काम है वो मेनली बाकी है। अगर हम लोग बात करें इसमें अगर इस रोड में अगर आगे चलने का अगर बात करें तो चल के थोड़ा दिखा देते हैं आपको आगे। अभी तक हम भी कभी गए नहीं हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका अपडेट दे रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं आगे का क्या सीन है और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो मेनली अगर परसा साइड जाना है ना तो ये जो रोड है ये बेस्ट रोड है, शॉर्ट रूट भी पड़ता है क्योंकि अभी जो है वो पाटलिपुत्रा गया लाइन जो गुमटी वाला गया लाइन जो है जिसमें पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है वो तो हेवी ट्रैफिक जाम रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है
वो यहीं तक बन के कम्प्लीट है, इसका जो अप्रोच है वो अभी नहीं बना है। और नीचे में ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रैफिक जाम, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो ये जो अप्रोच है वो वहीं तक बना है, इसके आगे का अप्रोच नहीं बना है। तो चल के वो भी आपको दिखा देते हैं। इस रोड से जो कनेक्टेड जहाँ पे रोड गिर रहा है वो फेस जो है वो अभी बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो चलते हैं आपको वो दिखा देते हैं, जबकि आए हैं इतना दूर व्लॉग करने तो सोचे वो भी आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी इस फ्लाईओवर का काम जो है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, मतलब इवन आप बोल सकते हैं बहुत सालों से इसका जो काम है वो एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा घास जम गया है, देख सकते हैं पूरा घास जमा हुआ, मतलब बहुत सालों से इसका काम पेंडिंग है और ये एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसका काम अभी कम्प्लीट होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और वैसे यहाँ आने के बाद हमको एक चीज़ दिखा है, और दिखा क्या है, ये जो फ्लाईओवर है ये यहाँ तक बना है। अब इसको उतारना जहाँ है तो वो सामने में दिख रहा है घर, तो इसको कैसे उतारा जाएगा, क्योंकि वो घर जब तक हटेगा नहीं तब तक तो ये फ्लाईओवर उतरेगा नहीं, और अचानक से तो सीधे डिप होके उस पर जाएगा नहीं, तो इसका क्या कुछ सिस्टम होने वाला है। इस वजह से इसका काम जो है वो फंसा हुआ है, और इतना साल से जो काम इसका पेंडिंग है वो ड्यू टू रीज़न यही है। जब तक ये ज़मीन का लफड़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक ये काम जो है वो कम्प्लीट नहीं होने वाला है। और ट्रैफिक जाम जो है वो देख सकते हैं हम लोग। तो ये इधर का कुछ सीन ऐसा देखने को मिला है, और हम लोग वापस चलते हैं उस साइड में। और आई होप सो कि आज का ये वाला जो छोटा सा व्लॉग है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और बता दें कि मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करते रहते हैं। और पटना का हर एक जगह का अपडेट जो है वो कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर आपको किसी जगह का, पर्टिकुलर जगह का अगर अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस जगह का अपडेट दे पाए। वैसे S2 मॉल का जो अपडेट है ना वो हम उस साइड से जब क्रॉस कर रहे थे तो देखे S2 मॉल में वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। तो एक बार कोशिश रहेगा कि कभी मौसम अच्छा रहेगा और उस साइड से क्रॉस करेंगे तो रुक के उसका अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। S2 मॉल का जो अपडेट है वो पेंडिंग है, और कौन कौन सी जगह का आपको अपडेट चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो हम लोग अभी वापस आ गए हैं यहाँ वाले पैच में। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इस साइड का जो एरिया है इसको अभी होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और मीठापुर वाला जो फ्लाईओवर आ रहा था जो गया लाइन गुमटी के पास कनेक्ट होने वाला है जो कि उस साइड में है, वो बन के हो गया है कंप्लीट, मतलब उसका पिचिंग का भी काम लगभग जो है वो कंप्लीट है। जो काम बचा है बस यही इतना दूर में जो इसका कनेक्टिंग है इसका काम बचा हुआ है। तो आइए एक बार वहाँ का झलक दिखाते हैं, और थंबनेल पिक्चर जो है वो वहीं से क्लिक करके डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक थंबनेल पिक्चर भी क्लिक करते हैं और फिर जो है इस वीडियो को एंड करेंगे। वैसे काम तो चल ही रहा है, बट वही है कि काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, मतलब इस टाइप से काम चलने से जो प्रोजेक्ट है ये टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला है। जिस स्पीड से काम चल रहा है, इस स्पीड से अगर काम चलेगा तो इतना जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो देख सकते हैं ये जब तक इससे कनेक्ट नहीं होगा और इसका जो ज़मीन वाला प्रॉब्लम है वो जब तक सॉल्व नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहेगा। और ये बहुत सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक इसका इशू जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एक दो फोटो क्लिक करते हैं और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो फाइनली अगर बात करें हम लोग तो आज गया लाइन गुमटी का आप लोग के साथ अपडेट शेयर कर किए हैं। आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और अभी गया लाइन गुमटी से जस्ट निकले हैं और ये आ गए हैं GPO गोलंबर। तो GPO गोलंबर से लेफ्ट होंगे, आप लोग गोलंबर होते हुए डायरेक्ट अटल पथ होते हुए घर की तरफ निकलेंगे। तो उस साइड का जो ट्रैफिक का स्थिति है वो तो बहुत ख़राब है, अब इस साइड का ट्रैफिक स्थिति काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब पहले से फार बेटर हो गया है। जब से ये फ्लाईओवर का बन गया है तब से हम लोग आर ब्लॉक की तरफ से अगर ट्रैवल करना हो और जब से अटल पथ बन गया है तो और भी आसान हो गया है। और जैसे इन फ्यूचर में आर ब्लॉक वाले फ्लाईओवर से अटल पथ से एक फ्लाईओवर जैसे कनेक्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद और भी आसान हो जाएगा। तो बस इसी बात के साथ लेते हैं अलविदा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।